उम्मीद के तहत होंगे वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल नबील मीडिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में जो है ना वो दो किस्म के मार्च हो रहे हैं, एक वो जो गुस्ताख रसूल की हमायत के लिए निकले हैं और एक वो जो कि गुस्ताख रसूल की हमायत करने वालों के खिलाफ निकले हैं। तो हम जी बात करने वाले हैं तरीके लब पाकिस्तान का आज मार्च था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में बड़ी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और अमीर कराची मुफ्ती फखरे कासिम साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो वो खबासत पैदा करने वाले लोग आए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए, एक दो आए थे उनको अल्लाह ताला ने वैसे इबरत का निशान बना देने वो पुलिस को उनको पकड़ के ले गया। तो जो हमारे दोस्त हैं इनके जो तरीके लब के दोस्त हैं इनकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलें आज की मददार जो वीडियो सॉरी आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। के तारीख लब के असला पाकिस्तान ने कॉल दी और ये कॉल हमने कि जिन लोगों ने गुस्ताखाने रसूल को सपोर्ट करने के लिए उनकी पुश्त को मजबूत करने के लिए उनके जो हिमायती बनकर आ रहे थे, तो इस बिना पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची में कॉल दी कि हम किसी भी गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करने वाले को कराची में एहतजाज नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, डूब कर मरने का मकाम है और बड़ी बदनसीबी है कि कोई गुस्ताखाने रसूल को सपोर्ट करें। और ये सआदतमंदी की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस के पहरेदार बनकर जिए। तो ये सारे जितने भी हैं आज देख लें हमारी घड़ी, अगर आपको बता सकती हूँ तो ये 13 अक्टूबर है और ये तीन तलवार के अतराफ़ के ये सारे इलाके हैं, कैंट स्टेशन के इलाके हैं और एक बड़ी तादाद में जमने का फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौजूद है। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, ज़ात मुस्तफ़ा के लिए आए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो और ये गुस्ताखों को जो हिमायत की जाती है जो निकलता है वो निकल करके यकीनन वो हलाली नहीं है, अगर वो हलाली होता तो वो हमारी इन सफ़ों में आकर खड़ा होता। ये एक हरामी लोग होते हैं, इस तरह के बेगैरत किस्म के लोग होते हैं जो गुस्ताखाने रसूल को सपोर्ट करते हैं। बस यही पैगाम है, यही मैसेज है, हम सब मैदान अमल में मौजूद हैं, हमारी क़यादत मौजूद है, हमारे किबला सूफ़ी याहिया कादरी साहब नाज़िमी आला सिंध तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रुकने शुरा मौजूद हैं, कराची कमेटी के अरकान मौजूद हैं और हम अपने कारकुनान के दरमियान खड़े हैं। बिल्कुल हम किसी भी गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करने वाले को खुली छुट्टी कराची में नहीं देंगे। और लिसानियत का लेवल लगाकर लोगों को बरगलाने वालों को जिस तरीके से इंतजामिया ने रोका है, हम इंतजामिया को भी फिर आगे तहसीन पेश करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमें यकीन ना हो, जब तक के हमारा यकीन कामिल में ना बदल जाए कि अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, ना तीन तलवार से ना प्रेस क्लब से। अगर 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 कोई निकलेगा तो हम खुद दबोच कर जमीन और वो भी कराची में, इनको पता नहीं कराची तो आशिकाने रसूल पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी है कि आज गुस्ताखाने रसूल के हावियों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, किया हुआ है उनको रोका हुआ है और उनको रोक कर ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इंतजामिया के लोग आए, उन्होंने हमें ये कहा कि मुफ्ती साहब इंशाल्लाह चाहे तीन तलवार हो या प्रेस क्लब जहां भी होगा हम इनको कलों से दबोच कर जमीन पर हम जिन पुलिस वालों के लिए यहाँ आए हुए हैं, हम इन पुलिस वालों को कराची के पुलिस वालों को और जो भी मेरे रसूलुल्लाह के गुलाम
हम सबको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। किया जाए, उनको रोका जाए, हम भी निकल रहे हैं और हम इंशाल्लाह इसी राह पर गामसन है प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं। और अगर इस बीच में इनको नहीं रोका गया तो फिर हमें भी प्रेस क्लब जाने से कोई रोक सकता है? हम निकल रहे हैं, हम अब इंतजार है, हम निकल रहे हैं। और अगर इनको बीच में रोक दिया गया तो ठीक है, वरना हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब पहुंच रहे हैं। तमाम लोग तैयारी करें, अपने अपने बाइकों पे, अपने सिस्टम पे चले। रेंजर ने कारकुनान पर जो ना वो सीधी सीधी फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इनको क्या पता ये हले बैक वाले, ये मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हम भागने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। तो ये तो आज इनको पता चल जाएगा कि ये बैक वाले हैं, ये नीचे वाले के बच्चे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम मैदान में खड़े रहेंगे और ऐसे कारकुनान को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आप तार हर तरह से होड़िया गोलियाँ चाड़िया, पर फिर भी हमारे कारकुनान जो है वो मैदान में मौजूद है। मैदान में मौजूद होने के बावजूद सामने भी पुलिस के खड़े हैं रेंजर के, कि अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। ये होता है बाबा जी का फिजान, बाबा जी का फिजान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तक क़यामत जारी रहेगा।
और ऐसे बाबा जी के जो शेर मुजाहिद हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक, इंशाल्लाह मेरे बाबा जी की क्या बात, क़यामत तक इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहे तो इंशाल्लाह हम जहाद भी करेंगे और इंशाल्लाह हम ऐसे जो मलून हैं इनका मुकाबला भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी शेयर ना भी करें तो कमेंट्स लाजमी कर दिया करें ताकि जो ना वो हमारी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक रहते थे, अल्लाह हाफिज़।